नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डाउट्स में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग को तीन संख्याओं के जो भिन्न का घटाव होता है उसको बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। तो दोस्तों, बिना देर के चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि आप लोग को नीचे जो दिया गया है, जैसे यहाँ पर चार, यहाँ पर आठ और यहाँ पर छः, तो सबसे पहले आप लोग को इन सभी का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चार, आठ और छः का एलसीएम निकाल लेते हैं। चार, आठ और छः का एलसीएम निकाल लेते हैं। दो दूना दो चौका दो तिहाई। ठीक है दोस्तों, फिर से इसको काटेंगे। दो एकम दो दूना और ये तीन का तीन, तीन दूना छः, छः दूना बारह, दूना चौबीस। दोस्तों, इसका हमारा एलसीएम आ गया चौबीस। ठीक है, इसका हमारा एलसीएम आ गया दोस्तों चौबीस। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे इसका एलसीएम चौबीस है, तो नीचे हम लोग यहाँ पर चौबीस लिख देंगे। ठीक है, उसी प्रकार इससे हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, चार से चौबीस में डिवाइड करेंगे। तो चार से चौबीस में भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, छः। छः को हम लोग यहाँ पे इस नौ में गुना कर देंगे, तो छः नौ हमारा कितना हो जाता है दोस्तों, चौवन। ठीक है, ये हमारा चौवन हो गया। ठीक है, चौवन हो गया। अब देखिए, यहाँ पर हमारा माइनस का चिन्ह है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद देखिए हमारा अगला संख्या क्या है, अगला संख्या को हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं इसी प्रकार से। तो अगला संख्या हमारा आठ है, तो इस आठ से हम लोग चौबीस में भाग करेंगे। तो आठ से जब हम लोग चौबीस में भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, तीन आ गया। अब इस तीन को हम लोग यहाँ पे छः में गुना करेंगे, तो छः तीन हमारा कितना हो जाता है दोस्तों, छः गुना तीन करेंगे तो हमारा आ जाएगा अठारह। ठीक है, अब उसके बाद आप लोग देखिए, फिर से यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो इस माइनस चिन्ह को भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए, फिर से हमारा ये भी कम्प्लीट हो गया, तब हम लोग इसके अगला वाला संख्या को डिवाइड करके देखेंगे। तो देखिए, हमारा अगला वाला संख्या यहाँ पे क्या है, छः है। तो अभी इस छः को हम लोग इस चौबीस में डिवाइड करेंगे, तो छः को अगर हम लोग चौबीस में डिवाइड करें तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, चार। और चार और ऊपर में हमारा कितना है, सात। तो सात गुना चार अगर हम लोग करें तो कितना आ जाएगा, अट्ठाईस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो आप लोग बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मेन डिफ़िकल्टीज आपको यहीं पे आती है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहीं पे आप लोग को सॉल्व करने में 100 में से 90% लोग यहीं पे गलती करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अब इसको सीखते हैं एकदम नियमित रूप से कि इसे हम लोग सही कैसे कर सकते हैं। देखिए, आप लोग यहाँ पर मेन गलती क्या करते हैं कि आप लोग इन सभी को घटा देते हैं। देखिए, आप लोग करते क्या होंगे कि चौवन में से आप लोग अठारह को घटाते होंगे। ठीक है, अधिकतर लोग यही करते होंगे। तो चौवन में से आप लोग अठारह को घटाइएगा तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, चलिए घटा के देख लेते हैं। चौवन में से अठारह को घटाइएगा तो देखिए हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, चौदह में से आठ जाएगा छः, और ये हमारा चार में से एक जाएगा तीन, छत्तीस। और फिर इस छत्तीस में से इस अट्ठाईस को घटा देंगे, तो छत्तीस में से अट्ठाईस को घटाएंगे तो हमारा आठ बचेगा। तो इस प्रकार से हमारा आठ बटा चौबीस आएगा, तो आठ गुना तीन, ये तीन बार में कट जाएगा। तो आप अगर सॉल्व करें तो ये आपका तेरह, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपका तीन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको ऐसे सॉल्व नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग को एकदम नियमित रूप से बताने वाला हूँ कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, वे तो मैंने आप लोग के तरीका से बताया कि आप लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, तो आप लोग को ये गलती नहीं करना है। ठीक है, देखिए इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। आप लोग को सबसे पहले देखना है कि किसके आगे माइनस माइनस है। तो देखिए, इसके आगे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, मीन्स 18 और 28 के आगे हमारा माइनस माइनस दोनों के सामने है। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा कि माइनस और माइनस हमारा दोस्तों प्लस हो जाता है। ठीक है, माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि ये जो 18 है, ये देखिए, ये जो 18 और 28 है, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो 18 और 28 आप लोग ऐड कीजिए, देखिए ये 28 है और ये 18 है, तो 8 8 16 हो जाएगा, और 2 और 1 3 और 1 4, यहाँ हमारा 46 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या मीन यहीं पर आता है। देखिए हमारा आया कितना, 46। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसके आगे आपको माइनस लगाना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हमारा कितना था, 54। तो ये 54 तो आपका वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, लेकिन इसका साइन हमेशा माइनस में ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। और नीचे हमारा कितना बचा है, 24। नीचे हमारा 24 बचा है, तो उसको आपको वैसे ही छोड़ देना। अब देखिए तो आप सिंपल बन गया है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब हमें सिंपल से क्या करना है, इस 54 में से इस 46 को घटा देना है। तो 54 में से आप 46 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा,
हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे कितना आ जाएगा, 24, ठीक है। तो अब इसको काटे तो देखिए फिर से हमारा आंसर 3 ही आया, ठीक है दोस्तों। इसका भी आंसर 3 ही आया, लेकिन दोस्तों मैंने जो अभी तरीके से बताया है आप इस तरीके से सॉल्व कीजिए, ये आपका सही तरीका है। अगर आप उस तरीके से सॉल्व कीजिएगा तो आप किसी किसी क्वेश्चन में फंस भी सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका 100% गारंटी है कि आपका ये सही होगा। तो दोस्तों इसका आंसर आपका आ गया 3, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोग की वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।